आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट हॉट चॉकलेट। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और थिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और मैंने यहाँ पे बड़े पतीले में लिया है। साथ ही साथ हमें चाहिएगा कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर। कोको पाउडर यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हम लेंगे और हम लेंगे यहाँ पे करीब हाफ कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो जब ये बॉईल आने लगे दूध तो हमें क्या करना है, 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर डालना है और इसको विस्क से अच्छी तरह विक्स करना है। ध्यान रहे कोई भी लम्स नहीं आने चाहिए। इसी तरह लगातार विस्क करना है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। हम इसकी स्लरी बनाएंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसकी कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना देंगे। बिना लम्स की होनी चाहिए वो। अब एक साथ मैं इसमें स्लरी डाल दूँगी और स्लरी डालने के बाद आपको विस्क करना है। कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अगर आप विस्क नहीं करेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। हॉट चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे करीब थोड़ा सा शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। करीब 1/2 टीस्पून मैंने शुगर ऐड किया है और इसको विस्क कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने के 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। थोड़ी थिक होने लग गई है। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप डार्क कंपाउंड डाल दूँगी और इसको विस्क करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको चलाते रहना है और करीब 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको चलाना है। तो मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे हॉट चॉकलेट बन के रेडी हो चुका है। मैं इसकी थिकनेस बताती हूँ कितना क्रीमी बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब कर देते हैं सर्व। तो तैयार है हमारा क्रीमी सा हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको ये हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज़ एंड लाइफस्टाइल वीडियो। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।